हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करने वाला हूँ और एक बुक के बारे में, और उसका मैं रिव्यू आपको दूंगा, ठीक है। वो बुक है ये, ठीक है ना, मिलीनियर सक्सेस हैबिट बाय डीन ग्रेजियोसी, ठीक है। आज मैं इस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ और इस बुक के बारे में मैं आपको कुछ बता देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, बुक एक पढ़ना काफ़ी एक अच्छी हैबिट होती है, और इस हैबिट के अंतर्गत मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ। जो भी IITs या फिर NIT में स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो हमेशा 6 महीने पे एक या दो बुक इस तरीके की आपका परचेज करके स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, इससे होता ये है कि उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है, और उनकी सोचने और डिसीजन मेकिंग जो सिस्टम होता है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। तो आज मैं इसी बुक का रिव्यू करने वाला हूँ, मिलीनियर सक्सेस हैबिट। तो हैबिट के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो अगर किसी भी पर्सन को कोई बनाता है तो वो उसका हैबिट ही होता है और उसका एक्शन ही होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बिलगेट्स हैं, तो बिलगेट्स एक साल में बहुत सारे बुक पढ़ लेते हैं, एक महीना में वो 4 से 5 बुक को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो उनका जो थॉट होता है, जो उनका काम करने का किसी तरीका होता है, चाहे वो काम बोरिंग उनको लगे चाहे कोई भी, लेकिन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ही उस काम को करते हैं, तो उनका एक थॉट प्रोसेस है। और एक आप रिक्शा चलाने वाले को अगर आप देखेंगे तो उसका थॉट प्रोसेस में अंतर होगा। दोनों का शरीर एक ही है, दोनों का दिमाग भी एक ही है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग होते हैं उनमें 95% तक इक्वल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होता है। 5% ही जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, जिन लोगों में ज़्यादा न्यूरॉन्स पाया जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्बर्ट आइंस्टीन। तो 95% जितने भी लोग होते हैं उनका नंबर इक्वल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है उनके दिमाग में, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हैं। और मैं और आपके जैसे ही लोग इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। वो लोग तो हैं जो एक्सेप्शन हैं, लेकिन हमारी तरीके के भी लोग काफ़ी अच्छा इस दुनिया में कर चुके हैं। तो पूरी तरीके से अगर मैं बोलूं तो थॉट प्रोसेस जो होता है वो हमारे बचपन से क्रिएट होता है। थॉट प्रोसेसर हम अपने जिस इन्वायरमेंट में होते हैं और जो बातें सुनते हैं उसी तरीके के हमारी इनर की आवाज़ साउंड बन जाता है, और उसी के तरीके हम एक्शन भी करते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए खाना खाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हमें अपने दिमाग को भी अच्छा रखने के लिए अच्छे अच्छे बुक्स की रीडिंग करनी ही पड़ती है, या फिर अच्छे लोगों के साथ में ही आपको रहना चाहिए, क्योंकि शरीर और आपके दिमाग का दोनों का ग्रोथ रिक्वायरमेंट है। अगर कुछ आप एक्शन करना अच्छा चाहते हैं तो उसी के एवज में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये मिलीनियर सक्सेस हैबिट बाय डीन ग्रेजियोसी का बुक काफ़ी अच्छा बुक है, और ये बुक न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलिंग बुक है, ठीक है। इस बुक ये जो बुक है 96 कंट्री में आपका एक्सपोर्ट हो चुका है, क्योंकि ये इतनी अच्छी बुक है, इसमें इतना अच्छा कंटेंट है, इसमें इतना अच्छा आपका फ्रेमवर्क दिया गया है, एक्टिविटी दिया गया है, कि अगर आप करेंगे तो आप ऑलरेडी अपने हैबिट्स के जरिए आप प्रगति कर पाएंगे। आपका पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। इसमें डीन ग्रेजियोसी ने अमेरिका में जितने भी मिलीनियर्स हैं या फिर नॉर्मल्स मिलीनियर हैं, उनके पूरे के पूरे जीवन और अपने एक्सपीरियंस से पूरा का पूरा एक स्टोरी लाइन बनाया हुआ है, और उसमें उसके साथ साथ इन्होंने एक्टिविटीज़ भी बताया हुआ है कि ये सही है ये गलत है, आपको इस तरीके से डेवलप करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इंसान को अगर आप सुबह में उठना चाहते हैं, तो अगर आप 5 बजे अपने आप को फोर्सली अलार्म पर 5 बजे लगातार उठाते रहेंगे, तो 21 दिन बाद वो आपके हैबिट में शामिल हो जाएगा, और वो आपको हैबिट जिस हैबिट के लिए आपने प्रयास किया था फोर्सली, वो हैबिट आपको ही क्रिएट करने लगेगा, और आप डेली 5 बजे उठने लगेंगे। तो ये बुक काफ़ी अच्छा है, और इसका जो थीम है तो ये आपका इतना है, और इसमें जो कंटेंट है काफ़ी अच्छा है। एक बार मैं कंटेंट इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको मैं 10 सेकंड तक दिखाऊंगा ये, और आप 10 सेकंड में इसमें आप देख सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये छोटा सा मैंने आपको दिखा दिया, और इसका जो लैंग्वेज है वो काफ़ी आसान है। इसमें आप पढ़ करके आप अपना ग्रोथ कर सकते हैं, पूरा का पूरा आपके थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा इस बुक से। इस बुक का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, ये जो मेरा मैंने जो ये बुक मंगाया हुआ है ये आपको अमेज़ॉन पर दिखाएगा 1300 या 1500 का, लेकिन अगर आप इसको अमेज़ॉन से परचेज करेंगे तो ये चूँकि अमेरिका से आता है, USA से आता है, तो आपके यहाँ पहुँचने में ये 20 से 22 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद में कस्टम ड्यूटी आपका आधा लग जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि खुद के लिए, शरीर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमने खाना खाते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक है, लेकिन दिमाग पे इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने इस पर 2600 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं इस बुक के लिए, ठीक है। तो इस बुक को मैंने आधा ही पढ़ा हुआ है, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा बुक लिखा गया है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको एक अंदर से पीस मिलेगा, और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि अगर आप अपने आप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके इसे बुक को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका प्राइस, देख लीजिए इसका प्राइस जो है वो आपका $26.99 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1300-1500 में मिल जाएगा, लेकिन कस्टम ड्यूटी जो है वो आपको आधा लग जाता है, यानी कि 2600 रुपये का ये बुक आपको पढ़ने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप इस बुक को अमेजोन से परचेज करेंगे, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आपको उसके साथ में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी कार्ड आपको सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि ये बुक आपको डायरेक्ट आता है मुंबई, मुंबई पर आपका वेरिफिकेशन होता है। तो ये जो है मैं किस कुरियर से मंगाया था ये मुझे नहीं पता है, लेकिन फेडेक्स से शायद ये आया हुआ था, फेडेक्स से, तो फेडेक्स वाले आपका ये ले लेते हैं और वो वहीं से आपका पूरा प्रोसेस करा करके ये आपका बुक डिलीवर हो जाता है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि इसकी जो फिनिशिंग है, ठीक है, इस बुक की क्वालिटी और जो बुक की बाइंडिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आपको लगेगा कि, और इसका कवर पेज इतना अच्छा है कि आपको लगेगा कि नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट अमेरिका में ही बनता है, और काफ़ी अच्छा तरीके से इसको लिखा भी गया है। तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक का आपको लिंक दे दूंगा। और एक बार अपने ऊपर इस बुक को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखिए, ना कि ये मत सोचिए कि आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा आप अपने लिए भी, अपने दिमाग के थॉट प्रोसेस के लिए भी इस बुक को यूज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ओवर एंड आउट।